यस कंटिन्यू करते हैं जेई के क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे और इन क्वेश्चंस का मैंने आपको बोला है पर्पस एक ही है कि आप अप्रैल जो अटेम्प्ट दें उसमें हाई स्कोर कैसे करें, एक वो पर्पस, दूसरा किस ढंग से पढ़ना है, फाउंडेशन कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप पढ़ाई करें, और क्वेश्चन को देख के क्या स्ट्राइक करना चाहिए जिससे क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर सकें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इस तरह के छोटे छोटे सेशन में कंटिन्यूसली लेता रहूंगा आपके बीच में, जिससे कि आप अपने स्कोर्स में डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, यानी इस 720 आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है इसमें, जो कि 720 है, गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो आप कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर में ना उलझें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्स स्क्वायर बाहर दिया हुआ है, ये इसका कीवर्ड है। इसका मतलब इसका इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, और आपको याद होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी, मैंने ये सब आपको फाउंडेशन में पढ़ाई हुई चीजें हैं। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स मेरा जो पढ़ाया हुआ वो अच्छे से करा, तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना कर पाए जेई के। इसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, एन माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर इक्वल टू जेड। तो अगर यहां पर मैं ये लगाऊं तो देखिए 1/2 है, तो एन माइनस आर, यहां पर 10 था सॉरी, तो 10 माइनस आर इंटू 1/2 माइनस ऑफ 2 आर इक्वल टू 0, ये हो गया आर इक्वल टू, यहां पर सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 यानी आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 यानी थर्ड टर्म, तो 2 निकाली तो 10c2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 720। क्वेश्चन खत्म। अब क्या हो जाएगा, देखिए 10 × 9/2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 720, राइट, ये कंप्लीटली कैंसिल, ये कैंसिल 8 टाइम, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, द पॉजिटिव वैल्यू बोली है तो लैम्डा की एक सिंगल वैल्यू यहां पर होगी 4, राइट, यानी क्वेश्चन को देख के उलझना नहीं है कि आप यहां से एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट निकालने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि बाहर एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हैविंग इक्वेशन एक्स माइनस रूट 2y प्लस 4√2 इक्वल टू 0 इज 2√11 3√2 6√3 एंड 8√2। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली अगर हम देख, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, पर ये क्वेश्चन बिना उसके भी बहुत जल्दी जाएगा। एक इस तरह की ये इक्वेशन है, अब आपको इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, तो सिंपल अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लें, सपोज एक्स की निकालेंगे तो रूट टू निकलेगी, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 4, ये वैल्यू रख देंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट काफी सिंपल है, रूट टू का स्क्वायर होगा 2 × स्टेप्स, कम से कम लिखिएगा, जितनी कम लिखेंगे कैंसिल 2 टाइम्स, तो देखिए क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y प्लस 16 इक्वल टू 2y या वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0, राइट। तो 8 और 2 हो जाएगा, तो y की एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई 8, तो सपोज ये वैल्यू y की 2 है, ये सपोज y की 8 है, अब y की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो y की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये मिलेगा माइनस 2√2, और y की वैल्यू 8 रखोगे तो मिलेगा 4√2, राइट। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, सिंपली मैंने आपको बोला था सेम साइन पर ऐड होते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 × √2 यानी आप ऐसा लिखेंगे, देखिए 6√2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट, प्लस 6 का स्क्वायर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर बाहर लिख दें तो 6√3, दिस इज द राइट आंसर। यानी अगर क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जेई के क्वेश्चन ना कर पाए, चाहे मेंस हो एडवांस हो, बस आपके फाउंडेशन पे आपको वर्क करना है। अच्छे से 11th-12th को पढ़ो, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x e पावर x स्क्वायर पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, e ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन जो 1e से पास हो रही है क्या लिखेंगे, द टेंजेंट टू द कर्व 1, ऑल द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x e पावर x स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, e। देखो अगर आप यहां पर 1 रख दो तो y इक्वल टू e मिलेगा, यानी पॉइंट ऑन द कर्व है। इस कर्व पर कोई एक टेंजेंट है जो और किस पॉइंट से पास होगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया y माइनस ई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। अब m कैसे मिलेगा, आपको पता है ये जो है इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, अगर मैं dy बाई dx करूं तो क्या मिलेगा x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस
ई पावर एक्स स्क्वायर, मतलब प्रैक्टिकली ई पावर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप स्लोप देखें तो x की जगह आप 1 रख दीजिए तो ये मिलेगा e और ये हो जाएगा 3, यानी बेसिकली 3e। तो इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस ई इक्वल टू 3ex माइनस ऑफ 3e, या ऐसा भी बोल सकते हैं 3ex माइनस y माइनस 2e इक्वल टू 0। अब आप इसमें ऑप्शन को वेरीफाई करवा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई करता है। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए लूँ तो ये 4/3 है, तो 4/3 से 3 कैंसिल, यानी 4e और 2e ये कैंसिल, तो दिस इज द राइट आंसर। यही एक राइट आंसर हो गया, राइट। किस और पॉइंट से पास होगी, तो आपने सिंपली क्या करा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप आपको पता है, स्लोप dy/dx स्लोप को बताता है, वो स्लोप यहां पुट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 0 to x ft dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x to 1 t² ft dt, देन f'(1/2)। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना, और याद रखिएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट t के प्लेस पे आएगी, इक्वल टू डिफरेंशिएशन अपर लिमिट 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट है इसलिए माइनस आएगा, x² into f(x), राइट। यानी बेसिकली आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू, देखिए यहाँ आ गया तो 2x अपॉन 1 + x², ये आ गया fx, राइट। क्या करा आपने, इसको डिफरेंशिएशन किया, दोनों तरफ dy/dx कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन में डेफिनेट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये fx आ गया, आपसे f'(1/2) पूछा, तो सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, राइट। माइनस 2x इंटू 2x का 2x हो जाएगा अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, एंड देन फाइनली 1 + 2x² ये -4x² हुआ, राइट। तो माइनस ऑफ 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब आपको 1/2 पे पूछा है तो 1/2 रख दीजिए, f'(1/2), तो 1 - 1/2 बचेगा यहाँ पर 1 + 1/4, एंड दिस इज फाइनली 1/2 अपॉन 4 + 1 = 5, यानी 25/16, यानी कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 = 5, तो 25/16 ऊपर मिलेगा 1, तो ये मिलेगा 16, मतलब 8/25, राइट। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 आया था इसलिए गड़बड़ हो रही थी, ये 2 था, 2x + 2x², तो यहां पर हमें बस 2 लिखना था और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मिस्टेक हो रही तो चेक कर लीजिए। तो ये 2 होने से क्या हुआ, ये मिलेगा आपको 4 - 1, यानी 3/2, तो 3/2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8, तो ये आएगा 24/25, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट कर लीजिए।